हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अधिगम का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। ये जो चाइल्ड पैडागॉजी है और साइकोलॉजी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो या तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें बनता ही बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल्यांकन या इवेल्युएशन होता क्या है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों या सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपायदेयता की जांच की जाती है। तो सिंपली हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मूल्यांकन या इवेल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो टीचर होता है या जो भी सिखाने वाला व्यक्ति होता है, बच्चे को सिखाने के लिए जो वो टेक्निक्स यूज कर रहा है, वो टेक्निक्स बच्चे के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, बच्चा उससे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये सब जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये आपका मूल्यांकन के अंदर आता है। अब जो दूसरा पॉइंट है जो मूल्यांकन या इवेल्यूएशन के अंडर हमें जानना जरूरी है, वो है मूल्यांकन के प्रकार। कितने टाइप्स के इवेल्यूएशन होते हैं या मनोविज्ञानियों ने कितने टाइप के इवेल्यूशन माने हुए हैं। तो अभी तक उन्होंने जो मूल्यांकन की प्रणाली है उसको तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले है रचनात्मक मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन या फिर समेटिव इवेल्यूशन। तीसरा आपका आता है निदानात्मक मूल्यांकन, इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है बालकों के विकास की लगातार फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, और यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो जब भी हम किसी टॉपिक को या किसी अध्याय को या फिर पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में किया जाता है, और इस सत्र के बीच बीच में किया जाता है, और लगातार इसमें बच्चे का फीडबैक लिया जाता है कि उसे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद होता है आपका, और जो ये इसमें जो रचनात्मक मूल्यांकन में एक जो इम्पॉर्टेंट बात जरूरी है समझने की, वो है ये हमारा, ये सीखने के लिए मूल्यांकन है, इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, ये फॉर लर्निंग है। ओके, तो जो बच्चा सीख रहा होता है सीखने के लिए, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जबकि अब मैं बात कर रही हूँ समेटिव इवेल्युएशन की, योगात्मक मूल्यांकन की। ये जो मूल्यांकन किया जाता है आपका, ये सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है, या मतलब हमने कोई भी जो पूरे साल भर पढ़ा है उसके बाद में ये मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ग्रेडिंग वगैरह बच्चे को दी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। और जो योगात्मक मूल्यांकन या फिर समेटिव इवेल्युएशन होता है, ये आपका होता है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, या बच्चे ने जो कुछ सीखा उसका मूल्यांकन है। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन है वो है आपका इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, और समेटिव इवेल्युएशन है आपका इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। उसके बाद आपका आता है निदानात्मक मूल्यांकन या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें जो मेन बात होती है, उसमें जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन होता है। जो भी बच्चे या स्टूडेंट फेल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं, वो किस वजह से असफल हो रहे हैं, ये सब हमको पता लगाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको बोलते हैं हम निदानात्मक मूल्यांकन या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएट। अब जब हम बात कर रहे होते हैं इवेल्युएशन की या फिर मूल्यांकन की, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE। ये टर्म आपको याद रखना है, CCE, सतत, सी का मतलब कॉन्टिन्यूस, दूसरे सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्वेश्चन आया भी गया है और पूछा भी जाता है कि फर्स्ट सी का मतलब क्या है और सेकेंड सी का मतलब क्या है। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड ई इज इवेल्युएशन। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन था, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। CBSE ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब जो CBSE ने बोला था कि माध्यमिक स्तर पर
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए सीबीएसई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए। तो सीबीएसई ने यही बात बोली थी कि जो जब भी हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ना कि केवल कक्षा में उसका कक्षा में वो बच्चा किस तरह से सीख रहा है इसी बात को ध्यान न दो, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास पे फोकस करने की बात सीबीएसई ने कही थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सीसीई का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये छात्रों की विद्यालय आधारित प्रणाली से रिलेटेड है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या उसकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो सारे सीसीई के अंडर आते हैं। अब तीसरा जो बात कही की है, यह एक बच्चे के विकास की प्रक्रिया जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। अब देखते हैं ये दोहरे उद्देश्य कौन कौन से हैं जिन पर सीसीई में बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर भी आधारित है। सबसे पहले तो जो सीसीई है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन है, उसमें यह तो बात कही गई है कि मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर, तथा एक तो सीखने के बच्चे ने क्या क्या सीखा इस पर तो मूल्यांकन दिया ही जाएगा, साथ ही साथ बच्चे के व्यवहार के परिणामों पर भी इसमें बात कही गई है। अब सबसे पहले जो उसमें टर्म है कंटिन्यूस यानी निरंतरता या फिर सतत, सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो पहला टर्म है सतत, तो सतत से यहाँ पे क्या अभिप्राय है? सतत या कंटिन्यूस का अर्थ है इस बात पर बल देना कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अविज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रमों के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निरंतर प्रक्रिया, जो बच्चे का वृद्धि एवं विकास हो रहा है उसका मूल्यांकन एक बार ना किया जाए बल्कि उसको निरंतर उसका मूल्यांकन किया जाए, जिससे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली गई है। मतलब पूरे शैक्षिक सत्र में बच्चे का मूल्यांकन चलता रहे, ये एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहे। अब दूसरी जो बात, दूसरा जो टर्म है आपका वो है व्यापक या फिर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव नाम ही है उसका, व्यापक, ठीक है। तो व्यापक का अर्थ समझते हैं हम, का अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। मतलब शैक्षिक यानी करिकुलर और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखना, जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जब उसकी वृद्धि एवं विकास का मूल्यांकन किया जा रहा है तो केवल शैक्षिक ही पक्षों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा बल्कि सह शैक्षिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जो क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में भी प्रकट करती हैं। कई बच्चे लिखित रूप में नहीं प्रकट कर पाते लेकिन उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं, वो सब भी, उस सब का भी हमें मूल्यांकन करना है जो कि इस व्यापक पद के द्वारा स्पष्ट होता है। इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है और यह सीखने के क्षेत्रों में छात्र के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है कि जो सीखने के क्षेत्र में छात्र ने कितना विकास किया है। सीखना केवल पढ़ाई या किताबी ज्ञान से ही रिलेटेड नहीं होता, इसका मतलब जैसे होता है ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता। उसने किस टाइप के, उसकी क्रिएटिविटी है, मूल्यांकन है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, ये सब भी उसके सीखने के अंडर आते हैं और इन सब का जो मूल्यांकन किया जाता है, किया जाना चाहिए, वो उसने ये सीबीएसई ने व्यापक या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म के द्वारा एक्सप्लेन करने की।